हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई बहुत ही टेस्टी चटपटा तीखा हरी मिर्च का अचार की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अचार को बनाना बताया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो फिर शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये हरी मिर्च ली है हमने, 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, और ये डार्क ग्रीन वाली हरी मिर्च है, कलर इसका थोड़ा गहरा है। इसी तरह की हमें हरी मिर्च लेनी है, इसको हम कट कर लेंगे। साफ पानी से अच्छे से इनको धो लिया है, नींबू को भी हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है, पानी इनमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से कट करनी है। तो इसके फ्रेंड्स, वो डंठल होते हैं आगे वाले, वो आपको निकाल लेने हैं, क्योंकि डंठल ये थोड़ा गल जाएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डंठल को अलग करना है, और 1 इंच के टुकड़े के हिसाब से हमें कट करना है। तो मैं बीच में ही कट कर रही हूँ, 2 कट लगा रही हूँ हरी मिर्च में, छोटी वाली हरी मिर्च है। अगर आपकी लंबी वाली हो तो आप 3 कट भी कर सकते हो, और ज़्यादा भी कट कर सकते हो। तो हरी मिर्च हमने कट कर लिया। अभी मसाला बताती हूँ। तो ये देखिए, हमने ज़्यादा मसाला नहीं लिया है, ये हमारा नॉर्मल चम्मच जो खाना खाते हैं इसी का हमने मेजरमेंट किया है। तो ये देखिए, 2 चम्मच हमने मेथी लिया है, 5 चम्मच हमने सौंफ लिया है, और ये 5 चम्मच ही हम इसमें राई लिए, छोटी वाली सरसों जैसी होती है वो ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें इसको ऐसे रोस्ट नहीं करना है, ऐसे ही हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये मिक्सी जार लिए है मैंने फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप अचार बनाओगे तो सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस अचार की खास बात है कि इसमें हम ज़्यादा राई और सौंफ का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। और मेथी का हम सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। और अभी हम इनको दरदरा ग्राइंड करना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ग्राइंड करना। तो ये देखिए, हमने दरदरा इसको ग्राइंड कर लिया, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। चम्मच से पास में दिखाती हूँ कि हमें इसको दरदरा ही ग्राइंड करना। देखिए, देखने में कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं, ये देखिए। तो अभी हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, फिर अलग से हमने इसको बाउल में निकाल लिया, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो हमें क्या क्या और इसमें और चाहिए बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, 1.5 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे, नॉर्मल नमक जो हम खाना में यूज करते हैं, ये 1.5 चम्मच हमने नमक का लिया है। इसमें हमें काला नमक भी डालना है, इसलिए हमने इसका 1.5 चम्मच का यूज़ किया। अगर आप काला नमक नहीं डालना चाहते तो इसका 2 चम्मच यूज़ कीजिएगा। और ये 0.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर का यूज़ लिया है, और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि हमारी मिर्च तीखी है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो हमने 1 चम्मच ये डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो 0.5 चम्मच हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच हम इसमें नॉर्मल नमक डाला जो हम खाने में यूज करते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हम इसमें 0.5 चम्मच काला नमक का डालेंगे, इसे बहुत ही अच्छा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। और इसमें थोड़ा सा हम 2 चुटकी हींग का डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, इसमें इतना ही हम मसाला डालेंगे, ज़्यादा हम मसाला यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम तड़का पैन लिया है, इसमें ऑयल गरम करेंगे। तो ये 125 ml हमने सरसों का ऑयल लिया है, ये इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसको नॉर्मल ठंडा होने तक इसको हम छोड़ देंगे। तो अच्छे से हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, नॉर्मल ठंडा हो गया। अभी हम इसमें मसाले में मिला देंगे जो हमने पहले से मसाला रेडी करके रखा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप सारे तरीके भूल जाओगे, यही तरीका अपनाओगे, इतना इजी तरीका है ये। और बहुत ही कम मसाले हमने यूज़ किए, फिर भी इसका टेस्ट कोई कम नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और चटपटा सा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं पास से दिखाती हूँ, मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए।
इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ हमने राई लिया है, सौंफ लिया है, मेथी लिया है, और जो हमने घर में मसाला यूज करते हैं डेली रूटीन वाले वो हमने इसमें मिक्स किए, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। नमक, मिर्च, हल्दी और अभी हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें यह अचार तीखा और चटपटा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने 3 नींबू लिए थे उसका हम रस निकाल लेंगे, वो इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैं उनका रस निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से हमने इसका रस निकाल लिया, छान लिया है, इसमें कोई बीज नहीं है। अभी हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये खट्टा सा चटपटा सा अचार बनेगा, और एक दूसरा काम इसका क्या होगा कि अचार बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगा। तो नींबू का रस आप ज़रूर डालें, जिससे क्या होगा कि अचार काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, और टेस्ट भी इसका चटपटा सा आता है, और तीखापन भी इसे हटा देता है हरी मिर्च से। तो नींबू डाल के आप ज़रूर अचार बनाइए। अभी ये हमारा अचार रेडी हो चुका है। अभी मैंने क्या लिया है, ये कांच का जार लिया है। कांच के जार से क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी अचार इसमें ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास कांच का नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी डाल सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके आप कांच के अचार में ही, कांच के बाउल में ही अचार डालें। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भर दिया अचार से, देख पा रहे होंगे बहुत ही टेस्टी अचार बना है, और मसाला भी अच्छे से इसमें अच्छे से चारों तरफ मिर्चों में लग गए, आप देख रहे होंगे, और बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी हो, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है। अभी हमें क्या करेंगे, जैसे ये नीचे बैठ जाएगा अचार, अगले दिन हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, ऊपर से गर्म करके ठंडा होने के बाद इसमें ऑयल डाल देंगे, तो ऊपर से अच्छे से ये हो जाएगा। तो हमें धूप देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अचार हमारा लंबे समय तक चलेगा, और ये 2-3 दिन में खाने लायक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।